मेरे कॉलोनी में जो बच्चे थे कल रात को एक कैट ने उन पर हमला किया। अब मैं क्या बताऊँ उसकी कंडीशन क्या है दोस्तों। मैंने चारों तरफ से मैंने अपने केज को कवर कर रखा है, मगर पता नहीं फिर भी वो कैट ने कैसे उन पर अटैक कर दिया है। मैं दिखाता हूँ, देखो दोस्तों ये बिल्कुल बिल्कुल मच्छर जाली लगी हुई है, यहाँ से नहीं सकता, लेकिन पता नहीं कैट ने कैसे हमला कर दिया उसके ऊपर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चारों ओर से, चारों तरफ से दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कहीं पर भी जगह नहीं है, मगर फिर भी कैट ने हमला कर दिया। मैंने चारों तरफ से बिल्कुल मच्छर लगा रखी है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर रूप से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों बिल्कुल लग रहा है, ये बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है अंदर आने के लिए, फिर भी पता नहीं कैट ने कैसे हमला कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको जो जिस बजिश पे हमला किया था। देखिए दोस्तों ये वो फीमेल है, इस पर दोस्तों इस फीमेल पे रात में किसी कैट ने हमला कर दिया था और आपको दिख ही रहा होगा इसकी गर्दन ही उखाड़ दी, दिख रहा होगा आपको कितनी बढ़िया फीमेल थी मेरी कॉलोनी की है। इसने अब की बात 7 बच्चे निकाले थे दोस्तों, मगर पता नहीं कैसे कैट ने इस पर अटैक कर दिया और इसकी जान ले ली। दोस्तों मैं दिखाता हूँ, देखो वो कहाँ से जो रास्ता मिला है इसको कैट को यहाँ पे आने का, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैंने चारों तरफ से अपने केज को कवर रखा है, मगर फिर भी पता नहीं कहाँ से उसके कैट ने अटैक कर दिया बजिश के ऊपर। आज दोस्तों वो मिल गया, देखो दोस्तों यहाँ पे, देखो दोस्तों इधर से कैट पे हमला किया कैट ने बजिश पे। यहाँ आपको कुछ पंख वगैरह दिख रहे होंगे, पता नहीं इसमें कैसा घुसा, शायद यहाँ से कुछ जगह रह गई थी बाहर निकलने के लिए, कारण कैट ने यहाँ पे अटैक कर दिया उसकी जान ले ली। उसके अलावा दोस्तों एक फीमेल और है, कैट ने उस पर भी हमला किया था, मैं आपको उसको भी दिखाना चाहूँगा। दूसरी ये दूसरी फीमेल है, कैट ने इस पर हमला किया था, आप देख सकते हैं इसके सिर के बाल थे, मैं आपको दिखाता हूँ स्पष्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बाल नोचे हुए हैं पंजों के द्वारा, मगर इसकी किस्मत अच्छी थी ये कि बच गई। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छी फीमेल है, इसने भी अब के बाद 6 बच्चे निकाले हैं। और दोस्तों देखो, देखिए दोस्तों ये वो फीमेल थी जिसने कैट ने इस पर हमला किया था, बिल्कुल भी उसका भाग सिर जो हेड होता है उसको पूरा खा गई, अभी बच गई दोस्तों। फिर भी मैंने इसके सुबह आके देखा तो ये बिल्कुल मतलब डेड हो चुकी थी, और फिर मैंने आई कुछ चेंजिंग की, यहाँ पे मैंने देखा कि कहाँ से कैट ने एंटर किया या कैसे उसको पंजा वगैरह मारा। और दोस्तों ये इधर से थोड़ा सा रास्ता था यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से फीमेल रात को निकल गई थी इधर से, अब तो मैंने वहाँ पे उसको बिल्कुल तार के द्वारा मैंने यहाँ पे बांध दिया। तार आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, देखो ये रहा, मैंने तार को यहाँ पे कनेक्ट करके दोनों तार को इधर से मैंने इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया। इधर से निकल गई थी फीमेल और यहाँ पे जाके उस कैट ने उस पर हमला किया दोस्तों। दोस्तों आज तो आप भी थोड़ा सतर्क रहें अपने बर्ड्स के प्रति, और ध्यान रखिए कि पूरा इंतज़ाम करें कि कैट आपके बर्ड्स के ऊपर को अटैक वगैरह ना करें। दोस्तों मुझे दुख तो बहुत हुआ क्योंकि फीमेल ने 7 बच्चे निकाले थे, और मैं आपको उसके बच्चे भी दिखाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों ये कुछ बच्चे हैं उस फीमेल के, आपको अच्छी तरह दिख रहे होंगे, वाइट में है और ग्रीन के अंदर है दोस्तों। और दोस्तों आप अपना और अपने बर्ड्स का अच्छी तरीके से ध्यान रखें।